ज्यूनी जी 13 प्रो, ओकटेल सी 21 प्रो और एल ई टी वी वाई 1 प्रो तीन ऐसे एंड्रॉयड स्मार्टफोन हैं जो एप्पल आईफोन इंस्पायर्ड स्मार्टफोन है। लेकिन रिसेंटली दोस्तों और एक एंड्रॉयड स्मार्टफोन एल ई टी वी की तरफ से ही लॉन्च हुआ है जो कि एल ई टी वी एस 1 प्रो है। ये दोस्तों आपको आईफोन 14 प्रो का याद दिला सकता है, मतलब लुका लाइक आईफोन 14 प्रो जैसा एक स्मार्टफोन है दोस्तों। अब यहाँ एल ई टी वी एस 1 प्रो में जो कॉपी किया गया है दोस्तों नेक्स्ट लेवल का किया गया है। हर वो डिटेलिंग के ऊपर स्पेशली ध्यान दिया गया है, उसी के साथ साथ लुक एंड फील के ऊपर भी ध्यान दिया गया है। तो अगर आप इस एंड्रॉयड स्मार्टफोन जो कि आईफोन लुका लाइक है दोस्तों, अब इसके बारे में और भी डिटेल्स या ज्यादा जानकारी चाहते हैं दोस्तों, तो रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को आप अंत तक देख ले। लुक और ओवरव्यू के साथ हर वो डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो एट फर्स्ट दोस्तों इस आईफोन लुका लाइक एंड्रॉइड स्मार्टफोन के कुछ हाईलाइटेड डिटेल्स मैं आपको पहले ही बता देता हूं, जिससे आपका इंटरेस्ट और भी थोड़ा सा ग्रो हो पाए। जैसे कि ये एक बजट 5G स्मार्टफोन होने वाला है, उसी के साथ साथ दोस्तों यहां आपको रेयर में आईफोन 14 प्रो की तरह ही कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। यहां कैमरा सेंसर 25 मेगापिक्सल का दिया गया है दोस्तों। उसी के साथ साथ यहां आपको फिंगरप्रिंट सेंसर जो कि साइड माउंटेड होने वाला है दोस्तों दिया जाएगा। अब दोस्तों आप ये भली बात ही जानते हैं, ये स्मार्टफोन का मेन आईपी यही है, ये आईफोन 14 प्रो की तरह दिखता है। तो लुक और ओवरव्यू को लेकर पहले ही बात करना बनता है। तो यहाँ आप कैमरा लुक पहले देख सकते हैं, आईफोन 14 प्रो से किसी भी एंगल में इसका कैमरा सेटअप आपको डिफरेंट नहीं लगने वाले हैं। वही ट्रिपल कैमरा सेटअप आपको रेयर में दिया गया है। उसी के साथ साथ जो फ्रंट और बैक लुक है दोस्तों, वही ऑफिशियल फीलिंग के साथ दोस्तों एल ई टी वी एस 1 प्रो में भी आपको दिया गया है। तो लुक एंड फील के मामले में दोस्तों एल ई टी वी एस 1 प्रो किसी भी एंगल से कम नहीं है आईफोन 14 प्रो से। अगर बात करें कुछ कोर हार्डवेयर डिटेल्स की, तो दोस्तों यहाँ आप जानते हैं आईफोन 14 प्रो जैसा आपको नहीं मिलने वाले हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ आपको काम चलाओ तो दिया ही गया है। जैसे कि यहाँ आपको एक 5G प्रोसेसर मिलेगा, प्रोसेसर नंबर आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। ये आपको तीन वेरियंट में मिलने वाले हैं, 32GB, 128GB, उसी के साथ साथ 256GB। यहाँ दोस्तों जो रैम दिया जाएगा 4GB का ही होने वाले हैं। अब आपके मन में सवाल आ चुका हो दोस्तों, आईफोन 14 प्रो की तरह ये दिखता तो सही है दोस्तों, लेकिन क्या यहाँ कैमरा सेटअप अप टू मार्क दिया गया है कि नहीं? आईफोन 14 प्रो की तरह तो नहीं है दोस्तों, लेकिन रेयर में आपको ट्रिपल शूटर दिया गया है। लुक और ओवरव्यू आप देख सकते हैं, कहा जा रहा है दोस्तों 25 मेगापिक्सल का मेन शूटर आपको मिलने वाला है, साइड में दोस्तों आपको 8 मेगापिक्सल का और शूटर और एआई शूटर मिलने वाला है। अगर फ्रंट शूटर की बात करें तो आपको 8 मेगापिक्सल का शूटर दिया जाएगा। यहां आपको डायनामिक आइलैंड जैसे फीचर का सपोर्ट भी दिया जाएगा। अब अगर मूव करें बैटरी के ऊपर, तो यहां दोस्तों आपको 4000 मिली एम्स का बैटरी दिया जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड 12 का होने वाला है। उसी के साथ साथ जो स्क्रीन साइज दिया जाएगा आईपीएस एलसीडी टाइप होने वाला है, साइज में दोस्तों 6.5 इंचेस का होने वाला है। इसी तरह का इंफॉर्मेशन मिल रहा है। अब ये आईफोन 14 प्रो सिमिलर एंड्रॉइड स्मार्टफोन एलई टीवी एस 1 प्रो के प्राइस डिटेल्स को लेकर दोस्तों आप जरूर अब इंटरेस्टेड होंगे। तो दोस्तों ये आपको बजट में मिलने वाले हैं, जो बेस वेरियंट होने वाले हैं दोस्तों लगभग आपको 10,000 के अंदर, और जो टॉप वेरियंट होने वाले हैं दोस्तों 12,000 के अंदर आपको मिलने वाले हैं। फिलहाल दोस्तों ये चाइना में लॉन्च हुआ है। अगर किसी भी इंडियन वेबसाइट में ये परचेजिंग के लिए अवेलेबल मिलता है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में आपको सभी डिटेल्स मिल जाएगा। तो ये सभी थे दोस्तों आईफोन 14 प्रो की तरह दिखने वाला एंड्रॉइड स्मार्टफोन एलई टीवी एस 1 प्रो से जुड़े वो सभी इंफॉर्मेशन जो आपको जानना चाहिए। होप मेरे द्वारा बताया गया सभी इंफॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल और हेल्पफुल साबित हुआ होगा। अगर है तो किसी सोशल प्लेटफॉर्म में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए बहुत हो गया बकबक, वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में इसी तरह का इंफॉर्मेशन लेके।